दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के तीन बड़े सुपरस्टार्स कमल हसन, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की एक साथ की गई इकलौती फिल्म गिरफ्तार से जुड़े बहुत सारे रोचक किस्सों की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। मेरे माथे पर ऐसा कलंक लगा कि मुझे अपना सर छुपाना पड़ा। सुमामी करके तुम दोनों को नौकरी से निकलवा सकता हूँ। अरे वह ना अपनी वो गीता उसे गीता धूप में निकलान कर रूप की रानी गोरा रंग काला न पड़ जाए। दोस्तों फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगभग 35 साल पहले साल 1985 में 13 सितंबर के दिन। फिल्म को डायरेक्ट किया था कूली, पोंगा पंडित और अजूबा जैसी कई फिल्मों से एज ए राइटर जुड़ चुके प्रयागराज ने। फिल्म को रामराज काला मंदिर नामक प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनाया गया था और इसे प्रोड्यूस किया था अमिताभ बच्चन की बॉम्बे टू गोवा और महान जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके एस रामानाथन ने। दोस्तों फिल्म की स्टोरी लिखी थी फिल्म के डायरेक्टर प्रयागराज ने, स्क्रीन प्ले लिखा था के शुक्ला ने और डायलॉग्स तैयार किए थे कादर खान ने। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे कमल हसन, पूनम ढिल्लो, कादर खान, शक्ति कपूर, निरूपा रॉय, माधवी, सत्यन कपूर, रंजीत, अरुणा ईरानी, रबिया अमीन, ओम शिवपुरी, शरद सक्सेना और मानिक ईरानी। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन फिल्म में एक बहुत ही स्पेशल रोल में नजर आए थे और रजनीकांत फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे और कुलभूषण करबंदा फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। लगभग 2 घंटे 54 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 36 मिनट 7 सेकंड की लेंथ के कुल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म के गाने थे आना जाना के 2 वर्जन, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, खुल जाएगा किस्मत का ताला, दो दिल से दिल की पप्पी और यारी पे कुर्बान हो। गानों को कंपोज किया था बप्पी लहरी ने और गानों के लिरिक्स लिखे थे इंदीवर ने। फिल्म के गानों को अपनी सुमधुर आवाज से सजाया था बप्पी लहरी, शब्बीर कुमार, आशा भोसले, किशोर कुमार और मोहम्मद अजीज ने। दोस्तों फिल्म के सभी गानों को तो कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी पर फिल्म का गाना धूप में निकला ना करो रूप की रानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इस गाने को आज भी गली मोहल्लों तथा ट्रकों और ऑटो रिक्शा में सुना जा सकता है। दोस्तों बात करें अगर फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और वेडिट की तो फिल्म का बजट और इसका इंडिया का कलेक्शन इसके मेकर द्वारा कहीं भी नहीं बताया गया है और ये फिल्म साल 1985 में कौन से नंबर पर रही थी इसकी जानकारी भी कहीं उपलब्ध नहीं है। पर बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे जो फिल्म के बजट और कलेक्शंस की जानकारी मिली है वो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे अनुसार फिल्म का एक एप्रोक्सीमेट बजट रखा गया था लगभग 3 करोड़ का और फिल्म ने इंडिया में एक एप्रोक्सीमेट कलेक्शन किया था लगभग 7 करोड़ का और फिल्म को विदेशों में काफ़ी पसंद किया गया था और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कुल कलेक्शन था लगभग 32 करोड़ का और फिल्म गिरफ्तार इसके इंडिया के कलेक्शंस के अकॉर्डिंग तो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी पर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के अकॉर्डिंग ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। दोस्तों कमाई के हिसाब से गिरफ्तार को साल 1985 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म कहा जा सकता है और अकॉर्डिंग टू गिरफ्तार मूवीज कलेक्शंस अगर बात करें साल 1985 की टॉप 5 कमाओ फिल्मों की तो पहले नंबर पर थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली, दूसरे नंबर पर थी फिल्म मर्द, तीसरे नंबर पर थी फिल्म गिरफ्तार, चौथे नंबर पर थी फिल्म प्यार झुकता नहीं और पांचवें नंबर पर थी फिल्म गुलामी। गिरफ्तार मूवी को IMDb वेबसाइट पर 6.1 out of 10 की रेटिंग दी गई है और इसे 75% गूगल यूजर्स ने लाइक किया। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों की। दोस्तों जैसा कि विदित है कि फिल्म में कमल हसन, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत तीनों ही ऑल टाइम लीजेंडरी एक्टर नजर आए थे। हालांकि रजनीकांत ने फिल्म में सिर्फ एक कैमियो अपीयरेंस दिया था और उनका कमल हसन के साथ एक भी सीन नहीं था। वैसे अमिताभ बच्चन भी पहले फिल्म में सिर्फ एक कैमियो अपीयरेंस में बहुत ही कम समय के लिए नजर आने वाले थे लेकिन बाद में उनके रोल को काफ़ी बढ़ा दिया गया था। दोस्तों कमल हसन ने फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद
एक बार कहा था कि वो फिल्म की शूटिंग के समय खुश नहीं थे और वो शूटिंग को जरा भी इंजॉय नहीं कर पाए। दरअसल कमल हसन फिल्म की शूटिंग के समय फिल्म की स्क्रिप्ट में किए गए चेंजेस की वजह से टेंशन में थे, क्योंकि फिल्म निर्माण के समय फिल्म के डायरेक्टर प्रयागराज को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और फिल्म की सारी बागडोर फिल्म के प्रोड्यूसर एस रामानाथन और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ में चली गई थी। और एस रामानाथन जो कि पहले ही अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुके थे, तो वो अमिताभ बच्चन और उनके स्टारडम से काफ़ी प्रभावित थे और डिस्ट्रीब्यूटर्स के कहने पर एस रामानाथन ने अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को कमल हसन से भी मजबूत कर दिया था, जो कि प्रयागराज द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के हिसाब से काफ़ी छोटा था। फिल्म के पहले हाफ में तो सिर्फ कमल हसन ही हावी रहे थे, पर दूसरे हाफ में कमल हसन का कैरेक्टर कमज़ोर पड़ गया और अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हावी हो गया। खैर, जब अमिताभ बच्चन ने यह फिल्म साइन की थी तब उनके राजनीतिक रुझानों के कारण उन्होंने फिल्में साइन करना काफ़ी कम कर दिया था और कई साइन की गई फिल्में भी उन्होंने छोड़ दी थी। लेकिन महान फिल्म की शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन ने एस रामानाथन से वादा किया था कि वो उनकी एक फिल्म में छोटी ही सही पर कोई ना कोई भूमिका अवश्य निभाएंगे और एबी ने उनके उसी वादे को पूरा करने के लिए एस रामानाथन द्वारा निर्मित फिल्म गिरफ्तार में एक गेस्ट रोल साइन किया था, जिसे बाद में काफ़ी बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, रजनीकांत फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए थे और गिरफ्तार रजनीकांत की छठी हिंदी फिल्म थी। रजनीकांत की पहली हिंदी फिल्म साल 1983 में आई थी, जिसका टाइटल था अंधा कानून और उसमें अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। और कहते हैं कि गिरफ्तार फिल्म का गेस्ट रोल करने के लिए अमिताभ बच्चन ने ही रजनीकांत को कहा था और अमिताभ बच्चन से दोस्ती के कारण ही रजनीकांत गिरफ्तार फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए तैयार हुए थे। दोस्तों, पॉपुलर साउथ इंडियन एक्ट्रेस माधवी फिल्म में इंस्पेक्टर गीता सिन्हा के रोल में अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी, पर गिरफ्तार पहली फिल्म नहीं है जिसमें माधवी अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई हो। दोस्तों, रजनीकांत की पहली हिंदी फिल्म अंधा कानून, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, उसमें भी अमिताभ बच्चन के अपोजिट एक्ट्रेस माधवी ही एक गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थी। साथ ही साथ एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो गिरफ्तार फिल्म में आखिरी बार कमल हसन के अपोजिट नजर आई थी। पूनम ढिल्लो गिरफ्तार से पहले साल 1982 की फिल्म ये तो कमाल हो गया में और साल 1984 में आई फिल्म यादगार में कमल हसन के अपोजिट नजर आ चुकी थी। साथ ही साथ गिरफ्तार ऐसी आखिरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और पूनम ढिल्लो ने स्क्रीन शेयर की हो। इससे पहले पूनम ढिल्लो अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म्स त्रिशूल और काला पत्थर में भी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। साथ ही साथ गिरफ्तार ऐसी इकलौती फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम करण रखा गया है, वरना उनकी ज्यादातर फिल्मों में उनके कैरेक्टर का नाम या तो विजय या फिर अमित रखा गया है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के एंट्री सीन के लिए गिरफ्तार मूवी में उन्हीं की साल 1983 में आई फिल्म कुली के बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ गिरफ्तार के कई और सीन्स में भी कुली फिल्म के प्रयोग किए गए बैकग्राउंड म्यूजिक को रीयूज किया गया था। दोस्तों, कुली फिल्म के डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई, जो कि कुली के अलावा अमिताभ बच्चन के साथ कई सुपरहिट फिल्में बना चुके थे और कहते हैं कि गिरफ्तार भी वैसे ही बनाई गई थी जैसी फिल्में मनमोहन देसाई बनाते हैं, यानी कि गिरफ्तार के मेकर्स मनमोहन देसाई के सिनेमा से भावित थे। दोस्तों, फिल्म के पॉपुलर गाने धूप में निकला ना करो रूप की रानी से पहले फिल्म में माधवी और अमिताभ बच्चन के बीच एक रोमांटिक सीन रखा गया था। उस सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो म्यूजिक साल 1976 में आई परवीन बाबी और ऋषि कपूर स्टारर फिल्म रंगीला रतन के थीम म्यूजिक से लिया गया था। साथ ही साथ फिल्म के गाने सोनी कुड़ी हो के शुरुआत के कुछ सेकंड्स का म्यूजिक पॉपुलर गाने परदेसियों से ना अखियां मिलाना के शुरुआती म्यूजिक से इंस्पायर्ड था। वैसे म्यूजिक से याद आया कि फिल्म का गाना यारों पे कुर्बान होने यार आए हैं साल 1980 में आई फिरोज खान विनोद खन्ना जीनत अमान स्टारर फिल्म कुर्बानी के टाइटल सॉन्ग से इंस्पायर्ड था। और गिरफ्तार फिल्म के गाने आना जाना लगा रहेगा में जो हारमोनियम म्यूजिक रखा गया था, उसी हारमोनियम म्यूजिक को साल 2000 में आई फिल्म मोहब्बतें के सुपरहिट गाने हमको हमी से चुरा लो में भी यूज किया गया था। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड में गिरफ्तार टाइटल से ये सिर्फ एक ही फिल्म बनी है, पर इससे लगभग 5 साल पहले यानी कि साल 1980 में इसी टाइटल से एक फिल्म लॉन्च की गई थी जिसमें संजीव कुमार और रीना रॉय तथा जितेंद्र लीड रोल्स में नजर आने वाले थे और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे जमानत और परिचय जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके वीके सोबती, जबकि फिल्म के संगीतकार थे आरडी बर्मन, पर किन्हीं कारणों की वजह से यह फिल्म बीच में ही अटक गई और कभी रिलीज नहीं हो पाई।
तो दोस्तों ये थी फिल्म गिरफ्तार पर हमारी पेशकश। ये वीडियो और इसमें की गई मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। साथ ही साथ ये फिल्म आपको कैसी लगी थी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।